इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या खास विशेषता है, डीएनए और आरएनए का क्या खास विशेषता है, दोनों का स्पेसिफिकली यहाँ देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहला बात यहाँ जानना है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है और आरएनए सिर्फ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है डीएनए और आरएनए दोनों। तो सबसे पहला यहाँ एक बात है कि कोई भी रसायन जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसमें ऐसा क्या खास बात होना चाहिए जिससे वो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। यानी कि हम ऐसे कहें कि किस कोई भी पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, उसको अनुवांशिक पदार्थ बनने के लिए, अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए उसमें कुछ खास विशेषता होना चाहिए। यानी कि कोशिका के अंदर जो भी रासायनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं उसमें सारे के सारे अनुवांशिक पदार्थ नहीं कहलाएंगे, या कोशिका के अंदर पाया जाने वाला हर पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। वही रासायनिक पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा जिसमें कुछ खास विशेषता हो। यानी कि किसी भी रासायनिक पदार्थ को अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए उसमें कुछ खास विशेषता होना चाहिए। पहला विशेषता क्या होना चाहिए कि उसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता, क्या हो? कोई भी रासायनिक पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाया जाता है अगर वो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है तो उसमें पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए, पहला विशेषता क्या होना चाहिए, उसमें स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि उसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। पहला पॉइंट स्वतः मने अपने आप उसमें स्वतः प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उससे संरचना और रासायनिक दृष्टिकोण से अस्थाई होना चाहिए। मतलब कोई भी पदार्थ जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है उसमें पहला बात क्या होना चाहिए, उसमें स्वतः प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा कि उसे संरचनात्मक दृष्टिकोण से या रासायनिक रूप से उसकी संरचना क्या होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए, उसमें बदलाव जल्दी नहीं, संरचना जल्दी नहीं बदल पाए और उसका रासायनिक जो बनावट है वो नहीं बदल पाए। तीसरा उसमें स्लो स्पीड से म्यूटेशन भी होना चाहिए, यानी कि धीमी दर से उत्परिवर्तन होना चाहिए, धीमी दर से क्या होना चाहिए, उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि कोई भी रासायनिक पदार्थ जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है तो उसमें जो उत्परिवर्तन होना चाहिए वो धीमी दर से होनी चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक आए हुए अनुवांशिक बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। तो जो भी रासायनिक पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है उसमें एक विशेषता होना चाहिए, उसमें म्यूटेशन तो होना चाहिए लेकिन स्लो रेट स्पीड से होना चाहिए, धीमी गति से होना चाहिए। काहे भाई, तो उत्पर बदलाव जब होगा रासायनिक अनुवांशिक, जब उसमें बदलाव होगा धीमी गति से, यानी कि परिवर्तन होगा डीएनए में, तो जो बदलाव होगा परिवर्तन होगा उसी के हेल्प से ना विकास होगा, इवोल्यूशन होगा। यानी कि धीमी दर से परिवर्तन होना चाहिए
इससे क्या हो, सजीवों में विकास, इवोल्यूशन, क्या हो, इवोल्यूशन। और चौथा है कि इसे मेंडल के लक्षण के अनुरूप होना चाहिए। मेंडल के लक्षण के अनुरूप स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मेंडल कह सकते हैं कि मेंडल के जो लक्षण होते हैं, यानी मेंडल का जो रूल है, मेंडल का जो सिद्धांत है, उसको फॉलो करने वाला होते हैं। क्या क्या होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, वो सारे के सारे पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ पे काम नहीं कर सकते। अनुवांशिक पदार्थ पे वही काम करेंगे जिसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता हो, जो स्वतः प्रतिकृति कर सके, जो अपना फोटोकॉपी खुद बना सके, अपना प्रतिकृति खुद बना सके, पहला। दूसरा, संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थायी होना चाहिए, मतलब उसमें बदलाव नहीं हो, उसका संरचना में अस्थायित्व बना रहे, संरचना नहीं बिगड़ जाती, उसका रसायन जो बनावट है नहीं बिगड़े, उसमें म्यूटेशन भी होना चाहिए, उसमें उत्परिवर्तन भी होना चाहिए, लेकिन स्लो स्पीड से, धीमी दर से, कैसा होना चाहिए, धीमी दर से उत्परिवर्तन होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। क्या है कि म्यूटेशन जरूरी है सजीव के विकास के लिए, तो म्यूटेशन हो लेकिन कैसा हो, धीमी दर से, धीमी दर से मतलब स्लो स्पीड से। स्लो स्पीड से या धीमी दर से उसे म्यूटेशन होना चाहिए जिससे सजीव का विकास हो सके। और चौथा, उसे स्वयं को मेंडल के लक्षण के अनुरूप प्रदर्शित होना चाहिए, स्वयं को मेंडल के लक्षण के अनुरूप प्रदर्शित होना चाहिए, यानी कि कोशिका के अंदर मौजूद कोई भी पदार्थ जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर रहा है, उसे या जो है उसमें यह खास बात होनी चाहिए, स्वतः प्रतिकृतिकरण की क्षमता होना चाहिए, उसको संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थायी होना चाहिए, उसमें धीमी दर से उत्परिवर्तन होना चाहिए जो सजीव के विकास के लिए जरूरी है, और उसे मेंडल के लक्षण के अनुरूप प्रदर्शित होना चाहिए। इसके अनुरूप मेंडल के लक्षण के अनुरूप प्रदर्शित होना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोशिका के अंदर केंद्रक में मुख्य रूप से तीन चीज है, एक है प्रोटीन, उसके बाद क्या है डीएनए है, उसके बाद क्या है आरएनए है। इसी तीनों में से कोई ना कोई काम करेगा अनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ कहां पाए जा रहे हैं, केंद्रक के अंदर, तो तीन चीज है केंद्रक के अंदर, इसी तीनों में से कोई ना कोई अनुवांशिक पदार्थ काम करेगा। तो देखिए, पहला जो चीज है प्रोटीन, ये प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए जो पहला शर्त है, चार शर्त है अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए, तो उसमें जो पहला शर्त है प्रतिकृतिकरण हो पाना, यानी कि स्वतः प्रतिकृतिकरण की क्षमता, अपना प्रोटोकॉपी खुद बनाने की क्षमता, यह प्रोटीन में नहीं पाई जाती है, यह क्षमता प्रोटीन में नहीं पाई जाती है, इसलिए प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करेगा। प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा नहीं। तो अब बच गया दो चीज, डीएनए और आरएनए, यही दोनों अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेंगे। ठीक है, अब यहां है कि डीएनए और आरएनए में से डीएनए जनरली सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए ही करता है, आरएनए कुछ विषाणुओं में करता है, लेकिन यहाँ है कि अगर आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करे और डीएनए भी करे, तो दोनों में बेटर क्या, दोनों में सबसे अच्छा या अस्थायित्व, स्टेबल अनुवांशिक पदार्थ, अस्थायित्व अनुवांशिक पदार्थ कौन होगा। तो देखिए, इसमें देखा जाता है पहला कि इसके
इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, यह जानने के लिए कि कैसे डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो वहां हम देखेंगे कि डीएनए पर किसी ताप का, तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि डीएनए का संरचना अस्थायी रहता है, उस पर कोई भी बाहरी दबाव काम नहीं करता, यानी कि बाहरी दबाव से इसका संरचना नहीं बिगड़ता है। डीएनए पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका जल्दी संरचना नहीं बिगड़ता, इसके संरचना में जल्दी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, यानी कि डीएनए जो किसी भी फिजिकल फैक्टर से, जो भौतिकीय कारण है जैसे तापमान, दाब, इस तरह से, इन सब चीजों से इसके संरचना पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला बात। दूसरा बात कि हम देखे होंगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। कौन शुगर? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में कौन शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, और आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में, इसके चलते डीएनए ज्यादा अस्थायी संरचना हुआ, क्योंकि आरएनए में पाया जाता है राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, इसके चलते आरएनए ज्यादा क्रियाशील हुआ, आरएनए कैटालिस्ट का भी काम करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है, और आरएनए ज्यादा क्रियाशील मूलक हुआ, या ज्यादा क्रियाशील पदार्थ हुआ। और आप रसायन पढ़िएगा कि कोई भी रासायनिक पदार्थ जो ज्यादा रासायनिक रूप से सक्रिय होगा वो कम स्टेबल होगा, जो रासायनिक रूप से ज्यादा सक्रिय होगा वो कम स्टेबल होगा, उसकी संरचना अस्थायी नहीं रह पाएगी, और जो रासायनिक रूप से कम सक्रिय होगा उसकी संरचना ज्यादा अस्थायी होगी। तो आरएनए के जो शुगर पाए जाते हैं, आरएनए में जो शुगर पाए जाते हैं पेंटोज शुगर, वो राइबोज पाया जाता है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, OH ग्रुप, तो ज्यादा सक्रिय हो गया, उसकी संरचना क्या होगी? कम अस्थायी। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, इसलिए संरचना ज्यादा अस्थायी। उसके बाद एक और चीज देखिएगा कि डीएनए में थायमिन बेस पाया जाता है। कौन बेस पाया जाता है? थायमिन बेस। और आरएनए में यूरासिल बेस पाया जाता है। तो इसके चलते भी डीएनए ज्यादा अस्थायी होता है आरएनए की तुलना में, यानी कि आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए में स्टेबल अनुवांशिक पदार्थ, अस्थायी तो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? तो डीएनए। का है तो डीएनए पर, डीएनए पर, इस डीएनए पर ताप का या दाब का कम प्रभाव डीएनए पर, ताप या दाब का कम प्रभाव पड़ता है डीएनए पर, ताप या दाब का कम प्रभाव पड़ता है। हम सिर्फ डीएनए के बारे में बता रहे हैं, जबकि आरएनए पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। तो इसमें जो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, इससे भी इसके संरचना को ज्यादा अस्थायित्व मिलता है, प्राप्त होता है। डीएनए पर ताप दाब का कम प्रभाव, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है, तो आरएनए ज्यादा क्रियाशील हुआ डीएनए की अपेक्षा, डीएनए कम क्रियाशील हुआ, तो जो रासायनिक पदार्थ कम क्रियाशील होंगे वो ज्यादा अस्थायी संरचना होगा उसका, और जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो कम अस्थायी संरचना होता है उसका। तो डीएनए की तुलना में आरएनए ज्यादा क्रियाशील होता है, उसका संरचना कम अस्थायी हुआ,
और डीएनए का ज्यादा होगा। उसके बाद डीएनए में थाइमीन बेस पाया जाता है, थाइमीन। थाइमीन क्षार, डीएनए में थाइमीन क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थाइमीन क्षार। तो थाइमीन क्षार और आरएनए में क्या पाया जाता है? इसलिए अपन युगास्थ। तो इसके चलते भी डीएनए की संरचना को ज्यादा अस्थायी प्रभाव होता है, ठीक है। और डीएनए डबल हेलिकल संरचना होता है, द्विलड़ी संरचना होता है। क्या होता है? द्विलड़ी संरचना होता है। तो इसके चलते भी ये ज्यादा अस्थायी संरचना होता है। तो डीएनए और आरएनए पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल अनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा या करता है, डीएनए आरएनए में ज्यादा अस्थायी अनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, तो उसका जवाब होगा डीएनए। कैसे? तो डीएनए पर बाहरी वातावरण या भौतिक वातावरण, ताप दाब का कम प्रभाव पड़ता है, जबकि आरएनए पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है और आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, इसके चलते भी इसका संरचना ज्यादा अस्थायी माना जाता है। काहे? कि जो आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं जो ज्यादा उसको क्रियाशील बनाते हैं, तो जो क्रियाशील रासायनिक पदार्थ होगा वो कम अस्थायी होता है। डीएनए में थायमिन क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। इसके चलते भी थाइमिन क्षार पाए जाने के चलते भी डीएनए ज्यादा अस्थायी संरचना वाला अनुवांशिक पदार्थ हुआ, डीएनए द्विलड़ी संरचना हुआ। तो इससे भी ज्यादा इसका क्या मिलता है? ये ज्यादा अस्थायी वाला अनुवांशिक पदार्थ। तो ये कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि आपसे यहां प्रश्न है कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोई भी पदार्थ जो अनुवांशिक पदार्थ पर काम करता है, उसमें खास विशेषता होना चाहिए, स्वतः प्रतिकृतिकरण की क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतः प्रतिकृतिकरण, अपने आप अपना फोटोकॉपी बनाने की क्षमता होना चाहिए, स्वतः प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, इसका संरचना, किसका संरचना? जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर रहा है उसकी संरचना और संरचना और रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। संरचना एवं कर दीजिए, संरचना एवं अस्थायी रूप से रासायनिक रूप से स्थायी होना चाहिए। इसमें उत्परिवर्तन स्लो स्पीड से, धीमी गति से होना चाहिए जिससे विकास हो सके। इसे स्वयं को मेंडल के लक्षण के अनुरूप प्रदर्शित करना चाहिए, स्वयं को मेंडल के लक्षण के अनुरूप प्रदर्शित करना चाहिए। ये चार चीज, चार विशेषता होनी चाहिए वैसे पदार्थ में जो अनुवांशिक पदार्थ कार्य करता है या कर मैंने करेगा। अब है कि डीएनए और आरएनए में कौन ज्यादा बेहतर अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए मानेंगे। काहे? तो इसके अनुसार जो जो हमारा जो ये शर्त है अच्छा अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए, अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए, तो इसके अनुसार तो हम बता दिए कि जो कोशिका केंद्रक में तीन चीज है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उसमें प्रोटीन में स्वतः प्रतिकृति करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए प्रोटीन हमारा डीएनए का काम नहीं करेगा, प्रोटीन हमारा अनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करेगा। क्या है? इसमें स्वतः प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता नहीं होती है। अब रह गया डीएनए और आरएनए में, तो डीएनए आरएनए में डीएनए ज्यादा अच्छा अस्थायी अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। क्या है? तो इस पर बाह्य दाब, मतलब बाह्य वातावरण, इसे दाब दाब का कम प्रभाव पड़ता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, इसमें थायमिन बेस पाए जाते हैं, ये द्विलड़ी संरचना। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? इसको आप बुक से देखिएगा।
अब हम लोग हालांकि आपके बुक में शायद इससे पहले बताया गया है फ्रेडरिक ग्रिफिक का सिद्धांत, उसके बाद इसको बताया गया था तो हम लोग पढ़ लिए, कोई बात नहीं। और हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि बुक जरूर पढ़िए, ठीक है? जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और बुक पढ़िए, और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बुक में उसको टिक लगाइए, उसको कॉपी में लिखिए या रफ कॉपी लेकर बैठिए। रूपांतरण सिद्धांत आपके बुक में है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण सिद्धांत, ये क्या है? तो कह रहे बाबू कि इस रिसर्च के पहले केंद्रक में या कोशिका के अंदर वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य क्या करता है ये कोई जानता नहीं था। खोज हुआ और पता लगाया गया कि वास्तव में करता क्या है, कौन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज के क्रम में ये जो रूपांतरण सिद्धांत है या जो रूपांतरण प्रक्रिया है, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ या जिसे एफ ग्रिफिथ भी कहते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ग्रिफिथ या एफ ग्रिफिथ भी कह सकते हैं, GRIFFITH, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वास्तव में कोशिका के केंद्रक में मौजूद कौन सा पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है ये किसी को पता नहीं था। कुछ लोग प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ मानते थे, कुछ को डीएनए मानते थे, कुछ को और कुछ मैंने कुछ प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ मानते थे, कुछ डीएनए को और कुछ आरएनए को अनुवांशिक पदार्थ मानते थे। तो इस कड़ी में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा सबसे पहले रूपांतरण सिद्धांत दिया गया और उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर उन्हें बताने का प्रयास किया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो पहले हम लोग देखें कि उन्होंने किया क्या। गिरफित महोदय क्या किए कि कल्चर प्लेट पर उन्होंने जीवाणु को ग्रो कराया, कल्चर प्लेट पर, संवर्धन माध्यम, कल्चर प्लेट जिस पर हम जीवाणु को विकसित कर सकते हैं, लैब में उन्होंने अपने प्रयोगशाला में कल्चर प्लेट पर एक जीवाणु के समूह को ग्रो कराया, और जिस जीवाणु को ग्रो कराया उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिससे निमोनिया रोग होता है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु पर, यानी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया पर
बैक्टीरिया के साथ उन्होंने प्रयोग किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसे कौन बीमारी होता है? निमोनिया। इसे कौन बीमारी होता है? निमोनिया। इस जिस बैक्टीरिया के चलते निमोनिया रोग होता है उसी पर उन्होंने रिसर्च किया। इसको उन्होंने कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया। तो जब उन्होंने कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया तो देखा कि इस बैक्टीरिया का दो तरह का कोलोनी बना, दो तरह का समूह बना। एक बैक्टीरिया देखने में रफ था, खुरदरा दिखाई पड़ रहा था, उसका सरफेस, उसका कोशिका भित्ति जो है खुरदरा दिखाई पड़ रहा था। इसको उन्होंने रफ कोलोनी कहा या रफ स्ट्रेन कहा उन्होंने इसको, स्ट्रेन। या प्रभेद कहते हैं, स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं प्रभेद, ठीक है। और दूसरा जो कोलोनी मिला जीवाणु का, वो देखने में चिकना दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। इसे उन्होंने एस स्ट्रेन कहा या एस प्रभेद कहा, प्रभेद। मतलब ग्रिफिथ महोदय, फ्रेडरिक ग्रिफिथ महोदय उस जीवाणु पर रिसर्च किए क्या पता लगाने के लिए कि कौन सा पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। इस पर उन्होंने वर्क किया था और उनके सिद्धांत को रूपांतरण सिद्धांत कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उन्होंने अपने रिसर्च में उस जीवाणु को प्रयोग किया जिसके जिसके चलते न्यूमोनिया बीमारी होता है, उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसको उन्होंने अपने लैब में कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया तो दो तरह का समूह उनको मिला। एक जो देखने में, एक समूह जो देखने में बाहर से खुरदरा दिखाई पड़ रहा था, इसे उन्होंने कहा रफ स्ट्रेन, रफ खुरदरा, रफ स्ट्रेन, या इसे आर स्ट्रेन या आर प्रभेद कहा गया या आर कोलोनी, कोलोनी माने सब। और दूसरा जो जीवाणु का समूह उनको दिखाई पड़ा वो चिकना, बाहर से चिकना दिखाई पड़ा, उसे उन्होंने एस स्ट्रेन या एस प्रभेद कहा या एस कोलोनी कहा। और उन्होंने देखा बाद से उन्होंने रिसर्च करके पाया कि जो दो तरह का जीवाणु का समूह मिला देखने में, उसमें से जो एस स्ट्रेन था या एस प्रभेद था वही वायरुलेंट था, वही विषाक्त था, यानी कि उसी के द्वारा निमोनिया रोग हो रहा था, आर प्रभेद के द्वारा निमोनिया रोग नहीं हो रहा था। एस स्ट्रेन से क्या हो रहा था, निमोनिया रोग हो जा रहा था। एस स्ट्रेन से निमोनिया रोग हो रहा था और आर स्ट्रेन से नो निमोनिया, इसे निमोनिया रोग नहीं हो रहा। कैसे पता लगा उनको, उन्होंने रिसर्च करके आगे उन्होंने रिसर्च किया, देखा कि जो दो तरह का कोलोनी उनको प्राप्त हुआ, एक एक रफ कोलोनी और एक स्मूथ कोलोनी, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, उसमें से जो एस स्ट्रेन था जो चिकना था देखने में समूह, उसे निमोनिया हो जा रहा था, आज रफ था देखने में उसे निमोनिया नहीं हो रहा था। अब यहां एक मन में प्रश्न हो रहा है कि जब उन्होंने कल्चर प्लेट पर जीवाणु को ग्रो कराया तो दो तरह का समूह काहे मिला, काहे कुछ रफ मिला, काहे कुछ खुरदरा दिखाई पड़ा, काहे कुछ चिकना दिखाई पड़ा, काहे कुछ स्मूथ हो गया। तो ये क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो स्मूथ कोलोनी था, जो चिकना समूह वाला जो जीवाणु था, इसके कोशिका भित्ति पर खास तरह के कार्बोहाइड्रेट का परत पाया जाता है, जैसे जीवाणु मान लिया जाए ये जीवाणु है, ठीक है, यह जीवाणु हो गया, ये मान लिया जाए आपका रफ हो गया, ठीक है, और ये रफ हो गया आर लिख दिए, और दूसरा जो जीवाणु मिला उस पर पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट का, इसे कोशिका के ऊपर पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट का आवरण था जो इसके लुक को, इसको बाहर से देखने पर चिकना बना दे रहा था। मतलब कि दो तरह का उनको जो समूह मिला
जो कल्चर प्लेट प्रकूर कराया जीवाणु उन्होंने, एक देखने में खुरदरा था। काहे खुरदरा था? तो इसके कोशिका भित्ति के ऊपर, इसके कोशिका के भित्ति के ऊपर वो पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट का आवरण नहीं था। इसके कोशिका भित्ति के ऊपर कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड का आवरण नहीं था। किसके ऊपर? रफ स्टेन के ऊपर, इसलिए देखने में खुरदरा दिखाई पड़ा। लेकिन जो एस स्टेन हुआ, जो एस प्रभेद हुआ, जो देखने में चिकना था, इसके कोशिका भित्ति के ऊपर बाहर से पॉलीसेक्राइड का एक आवरण था। कार्बोहाइड्रेट हुआ या पॉलीसेक्राइड का एक आवरण था जिससे ये चिकना दिखाई पड़ रहा था। अर्थ समझ में आया? अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए क्या किया, फ्रेडी ग्रिफिथ, जिनका एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यह जानने का प्रयास किया था कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ रूप में काम करता है। इसके लिए अपने रिसर्च में, अपने प्रयोग में उस जीवाणु को चुना जिससे न्यूमोनिया रोग होता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। उन्होंने इसको कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया, तो ग्रो कराया तो दो तरह का समूह मिला। एक को कहते हैं रफ कॉलोनी, जिसे रफ स्टेन या आर प्रभेद कहा गया। दूसरे को कहा गया एस स्टेन या एस प्रभेद। एस मतलब यहां हो गया स्मूथ, स्मूथ होने चिकना, आर मैंने हो गया रफ, रफ होने खुरदरा। ये काहे चिकना दिखाई पड़ा? तो जो इसके कोशिका भित्ति के ऊपर एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट का या पॉलीसेक्राइड का आवरण था, जिसके ऊपर नहीं था खुरदरा दिखाई पड़ा, ये चिकना दिखाई पड़ा। अब इन्होंने क्या किया, अब आगे इन्होंने अपने रिसर्च से प्राप्त कर लिया था कि जो दो तरह का प्रभेद मिला, आर प्रभेद और एस प्रभेद, आर स्टेन और एस स्टेन, इसमें जो एस स्टेन था वो विषाक्त था, वायरुलेंट था, यानी कि इसी से निमोनिया रोग हो जा रहा था। इसमें जो आर स्टेन वाला था उससे निमोनिया रोग नहीं हो रहा था। ठीक, अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को सेलेक्ट किया। किसको सेलेक्ट किया? माइस को। माइस माइस मतलब रैट की वाइफ। तो माइस को उन्होंने सिलेक्ट किया और सबसे पहले उन्होंने आर स्ट्रेन लिया। क्या लिया? आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन मतलब आर प्रभेद, जो समूह बना था खुरदरा वाला, वो आर स्ट्रेन लिया। और इसका इंजेक्शन तैयार किया, आर स्ट्रेन का इंजेक्शन तैयार किया और इसको डायरेक्ट माइस में इंजेक्ट कर दिया। माइस MICE, माइस में इन्होंने इंजेक्ट कर दिया। आर स्ट्रेन का क्या तैयार किया उन्होंने? इंजेक्शन तैयार किया, ठीक है, और माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो देखा गया इंजेक्ट करने के बाद माइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और माइस अलाइव, अलाइव मतलब माइस जीवित रही। माइस फीमेल है यहां, तो माइस जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा, माइस जिंदा रही। समझ में आ रहा है? पहला बार उन्होंने क्या किया, आर स्टेन का इंजेक्शन तैयार किया और माइस में इंजेक्ट कर दिया, माइस अलाइव, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा बार उन्होंने क्या किया कि अब एस स्टेन का इंजेक्शन तैयार किया, एस स्ट्रेन का, ठीक है, और फिर माइस में दिया, इंजेक्ट किया, माइस डेड, माइस डेड कर गए मतलब मर गए। कोई दिक्कत? पहले भी उन्होंने, पहले ही हम बता चुके हैं कि आर स्ट्रेन जो था उन्होंने प्रयोग से पा लिया था कि ये विषाक्त नहीं है, इससे बीमारी निमोनिया नहीं होता है, इससे होता है। तो दिया गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये दिया गया तो प्रभाव पड़ा, माइस मर गए। अब इन्होंने क्या किया कि जो आर स्ट्रेन उन्होंने लिया था,
अब उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन नहीं, जो एस स्ट्रेन था जिससे निमोनिया बीमारी हो जा रहा था, जिससे माइस डेड कर जा रही थी, इसको उन्होंने हीट करके किल्ड कर दिया, हीट किल्ड। मतलब एस स्ट्रेन का, एस स्ट्रेन के समूह को लिया, उसको गर्म करके, गर्म किया और उसको मार डाला, हीट किल्ड इसको, एस स्ट्रेन। और अब इस एस स्ट्रेन जिसको अधिक ताप पर गर्म करके मार डाला, उसका इंजेक्शन तैयार किया और फिर माइस में लिया। माइस क्या रहा? अलाइव रहा। अलाइव मतलब जीवित, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एस स्ट्रेन को क्या कर दिया उसने? हीट किल कर दिया, तब माइस में दिया, माइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ध्यान दे रहे हैं हम, आर स्ट्रेन माइस में दिया गया, माइस जीवित रही, कोई प्रभाव नहीं, अलाइव मतलब जीवित। एस स्ट्रेन का इंजेक्शन माइस में दिया गया, उसको इंजेक्ट किया गया, माइस डेड कर गए। फिर एस स्ट्रेन, उसी स्ट्रेन को हीट मतलब गर्म करके, अधिक ताप पर गर्म करके उसको मार डाल दिया, उसका इंजेक्शन दिया गया, तो माइस अलाइव रही, कोई प्रभाव नहीं। अब उन्होंने क्या किया चौथा बार, एस स्ट्रेन हीट किल, एस स्ट्रेन हीट किल, हीट किल के लिए हम एच के लिख दे रहे हैं, हीट किल, एस स्ट्रेन हीट किल प्लस आर स्ट्रेन अलाइव, लाइव मतलब जीवित। इन्होंने दोनों का इंजेक्शन तैयार किया और माइस में इंजेक्ट किया। माइस को क्या होना चाहिए आप लोग बताइए? एस स्ट्रेन हीट किल के साथ उन्होंने आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया, एस स्ट्रेन हीट किल के साथ आर स्ट्रेन अलाइव, एस स्ट्रेन जिसको हीट करके मार दिया है, जिसको अधिक ताप पर मार दिया है, उसके साथ उन्होंने आर स्ट्रेन अलाइव यानी आर स्ट्रेन जीवित का मिक्सचर तैयार किया, वो माइस में दिया। तो अब क्या होना चाहिए बताइए आपको क्या होना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं आर स्ट्रेन अलाइव जब दिया जा रहा है चूहा में, चूहिया में जब दिया जा रहा है आर स्ट्रेन अलाइव जब दिया जा रहा है माइस में, तो माइस मर रही है कि जीवित रह रही है? जीवित, आर स्ट्रेन अलाइव से जीवित है। फिर एस स्ट्रेन को हीट किल करके दे रहे हैं माइस में, तो माइस क्या रह रही है? अलाइव, जीवित रह रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब हम दोनों का, दोनों ही केस में अलग अलग जब हम दे रहे हैं तो माइस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, माइस अलाइव जीवित रह रही है, तो जब दोनों का मिक्सचर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइस अलाइव रहेगी। दोनों से अलग अलग देखे हम, देख लिए माइस नहीं मर रही है, तो दोनों का मिक्सचर मिला के देंगे तो क्या हो जाएगा? माइस अलाइव रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, माइस अलाइव नहीं रहेगी, माइस डेड कर रही, माइस डेड, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा ही हुआ। और फिर उन्होंने डेड माइस में देखा कि भाई इस डेड माइस का जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया, इस डेड माइस का जब बॉडी उन्होंने देखा, तो उस डेड माइस के शरीर में उनको जिंदा एस स्ट्रेन मिला, क्या मिला? माइस के शरीर में जो माइस डेड कर गई थी जब उनका उन्होंने एग्जामिन किया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पाया कि इस माइस के शरीर में उन्होंने लिया क्या था? हीट किल, लेकिन इस मरे हुए माइस के शरीर में उनको अलाइव जीवित एस स्ट्रेन प्राप्त हुआ। लेकिन अब वो आश्चर्य में पड़ गए, तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ना कुछ इस एस स्ट्रेन हीट किल में है, कुछ ना कुछ इस स्ट्रेस एस स्ट्रेन हीट किल में है, जिसके चलते आर स्ट्रेन अलाइव
एस स्टिल अलाइव में ट्रांसफॉर्म हो गया और माइस मर गई। लेकिन वो चीज क्या है, किस चीज का बना है, उसका रासायनिक बनावट क्या है, वो वास्तव में क्या है, इस बात को वो, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इस बात को वो नहीं बता पाए। यानी कि इनके बात का कंक्लूजन क्या निकला, इनके बात का कंक्लूजन यही निकला कि एस स्ट्रेन जो हीट किल था इसमें से कुछ निकला, कुछ ना कुछ निकला, या इसमें से ऐसा कुछ ना कुछ था, हीट एस स्ट्रेन हीट किल में कुछ ना कुछ था जो आर स्ट्रेन अलाइव को, आर स्ट्रेन अलाइव को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन अलाइव, एस स्ट्रेन अलाइव में कन्वर्ट कर दिया, जिसके चलते माइस डेड कर गया। यही इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। क्या कंक्लूजन था, उन्होंने चार तरह से इंजेक्ट किया माइस में। पहले आर स्ट्रेन अलाइव, आर स्ट्रेन जिंदा दिया, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस अलाइव जीवित रही। फिर एस स्ट्रेन अलाइव का इंजेक्शन तैयार किया, माइस में दिया, माइस मर गए, जो इसी से बीमारी हो रहा था। फिर एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट करके किल कर दिया, अधिक ताप पर मार दिया, माइस में दिया तो माइस अलाइव रहे। अब इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल जिससे माइस नहीं मर रही है, और आर स्ट्रेन अलाइव जिससे भी माइस नहीं मर रही, दोनों का इंजेक्शन मिक्सर तैयार करके माइस में दिया तो माइस डेड कर गई। अलग अलग नहीं डेड कर रही थी, जब इंजेक्ट करके दिया तो माइस डेड कर गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने भाई माइस काहे मर गई, जब इस डेड माइस का जब एग्जामिन किया, बॉडी पोस्टमार्टम किया, तो उसमें उनको एस स्ट्रेन जीवित मिले, एस स्ट्रेन जीवित मिले, लिया गया गया था हीट के लिए, लेकिन एस स्ट्रेन जीवित मिले। तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि देयर वाज समथिंग इन एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया बाय विच आर स्ट्रेन अलाइव बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन अलाइव। देयर वाज समथिंग इन एस स्ट्रेन हीट किल्ड बाय विच आर स्ट्रेन अलाइव बिकेम ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन अलाइव एंड माइस बिकेम डेड। यानी उन्होंने इस तरह से निष्कर्ष निकाला कि जरूर इस हिट किल्ड एस स्ट्रेन में कुछ ना कुछ था, जिसके चलते आर स्ट्रेन जो अलाइव था वो एस स्ट्रेन अलाइव में बदल गया और माइस मर गई। लेकिन वो क्या था, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या था, उसका जैव रसायन बनावट क्या था, इसके बारे में वो नहीं बता पाए। और इस तरह से इनका जो रिसर्च था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, उन्होंने कहा कि जिसके चलते ऐसा हुआ है, लेकिन जिसके चलते एस स्ट्रेन हीट किल आर, जिस पदार्थ के चलते जो एस स्ट्रेन हीट किल में से जिस पदार्थ के चलते आर स्ट्रेन अलाइव एस स्ट्रेन अलाइव में बदल गया, आर स्ट्रेन अलाइव एस स्ट्रेन अलाइव में बदल गया, इसमें से मौजूद जिस पदार्थ के चलते, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वही अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन वो क्या है, इसके बारे में वो नहीं बता पाए, उसका रासायनिक बनावट क्या वो नहीं कह सके, इससे वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। और बाद से अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, फाइनली निकाला, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।